अंकल अभी तुम्हारी बेटी को मैं लेके आ रहा हूँ मेरे घर पे, हो गया था 15 दिन का कोटा पूरा। तो खुशखबरी दे देते हम लोग। खुशखबरी ये है, डॉक्टर ने क्या बोली बताओ? तो बोले जुड़वा बच्चे बोले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बोली थी कि मेरा अपना मेडिसिन है उसका कोर्स मेरा ख़त्म हो जाएगा और चेकअप कराने मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है और अभी मेरा चेकअप है। सो अभी अपॉइंटमेंट है मेरा, सो वहाँ जाने की तैयारी है। सो हम लोग रेडी होके बैठ चुके हैं। सो अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलते हैं, फिर मैं चले जाऊँगी आज मेरे घर पर। सो जैसे तो दोनों घर मेरा ही, ये भी वो भी, बट एक शादी हो जाती है तो ये पराया हो जाता है, फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से हस्बैंड बोलता है जा तेरे घर पे, सभी इधर आना पड़ता है। कैसी कैसी लाइफ होती है ना, कैसी लाइफ होती है ना मम्मी, ये घर से वो घर वो। हाँ तो अभी फील हुआ ना 15 दिन यहाँ क्या रह ली मैं, तो बोलते चलो अपने घर पे नहीं जाने का क्या, अभी मेरी सास ससुर को याद कर रहे उधर, तो एक दिन के लिए भी नहीं रहते थे, 15 दिन जाने दिया बोल। तो कैसे होता है ना अपने घर में रह, अपना घर होके भी अपने घर में रह नहीं सकते, मतलब ससुराल तो है नहीं है, कभी ना कभी तो जाना ही रहता है। तो बनता सेट लाइफ है लड़कियों के लिए यार, है ना मम्मी? हाँ लड़कियों का घर ही नहीं है, हमारा घर कहाँ है? हाँ हमारा घर कहाँ है? क्या लड़के के दिल में, लड़के के दिल में, हाँ निकाल के फेंक देते। हाँ कैसा है वही तो बोल रहे, अपना घर होके भी अपना नहीं होता है ये। आंटी ने बोले ना जा तेरे मर्द के वहाँ, वो तो मैं जा रही हूँ मेरे मर्द के वहाँ, बोली जा ऐसा नहीं बोले, रुको 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 नहीं बोले, उनको पता है ना मैं वापिस आऊंगी, तो थोड़े टाइम बाद मैं वापिस आऊंगी इंशाल्लाह से। वो तो ऐसी ना रुकने की बात अलग है, तो एक दो घंटा थोड़े महीने बाद आने वाली हूँ वापिस से मैं। यस तो अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर चेकअप है, फिर सब बताऊंगी मैं आगे आगे, क्योंकि अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि अब कभी मना कर दी रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने तो फिर वो हो जाता है, इसके लिए मैं निकल के डायरेक्ट आप लोग को मिलूँगी। चलो तो गाइस अभी डॉक्टर के पास आ गए, नौशीन और आंटी दोनों गए अंदर, बेचारे अंकल उदास हो जाते बाय पर। हम लोग यहाँ वॉचमैन की कर रहे हैं, पहरेदारी, तो लोग के ख्याल रख रहे हैं अपने, हम लोग इधर खड़े हैं, लोग वेट कर रहे हैं, देखते भी क्या बोलती है डॉक्टर, आके बताएगी चीज। अंकल अभी तुम्हारी बेटी को मैं लेके आ रहा हूँ मेरे घर पे, हो गया था 15 दिन का कोटा पूरा, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, बेटी सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी बेटी सिर्फ मेरी बेटी। सो गाइस अंकल को नहीं मालूम आज नौशीन आने वाली मेरे घर पे, आज से हम के घर पे ही रहेगी हो, तो ऐसा 15 दिन का हो गया, ऐसा आज जाएगी घर पे रोज एक दो घंटा बैठ के आएगी, अंकल का हाल चाल हो ही नहीं सकता, अंकल का हाल चाल पूछेगी, उसको जाने दूंगा ही नहीं मैं, अपने पास ही रखूंगा, जाने नहीं दूंगा मैं, पास ही रखूंगा जब तक उसकी पूरी तबीयत ठीक नहीं हो जावे, डिलीवरी नहीं हो जावे, तब तक सब अच्छा नहीं हो जाए, जब तक तुम्हारे घर पे आएगी ही नहीं हो। गाइस रात तक दिन रात तक जो जबरदस्ती करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, रख सकती जो जबरदस्ती नहीं वो खुद ही बोले लूंगा जाने का, कैसे तो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है तो फिर जाने दूंगा ना, कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है। हाँ देखो ना बेचारे खुशी के मारे लाल लाल हो गए, अच्छा काला नहीं बोला तुमने। सो गाइस हो गया है मेरा चेकअप, अल्हम्दुलिल्लाह से सब नॉर्मल है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, और सबसे खुशी की बात मेरा वेट गेन हो रहा है। हो गया वेट गेन मेरा 100 ग्राम बढ़ा, ए चल 100 ग्राम नहीं बढ़ा। सो अभी चलो जा रहे, बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन लेते हैं, जा बाहर आ गया ऑर्डर आंटी यार है ना। सो गाइस यहाँ पर पैसा देने की बारी आई तो कोई भी हिल रहा नहीं, दरवाजे पे बेचारा खड़े हो, दरवाजे पे ठोक रहे हैं। हाँ जाओ चलो। सो हम लोग ने मंगाए थे बर्गर खाने का था, तो वो बर्गर मंगाए तो उसके लिए लोग लड़ रहे इधर घर में आके, क्या बोल रहे हो? अभी मैं क्या था ना बोल रहा हूँ, इसको मत आने दे, इसका खाली मोबाइल ले जाएंगे, भले नहीं आवे, भले नहीं आवे, मोबाइल का काम है, मोबाइल में ऑनलाइन लेते हैं, मेरे को सब मालूम है, नहीं हम सब कर लेंगे, पिन चीन जीन सब ले लेंगे, मम्मी मम्मी की तो शादे भाग गए अंदर, हम अभी मम्मी जाएंगे, हाँ कोई भी जा लेकिन मोबाइल लेके जा बस खत्म,
तो हमारा पार्सल आ गया है ढंटने ना मिलने गए थे जाओ खड़ा हो जाओ जाओ खड़ा है दे दिया था मैं फिर तू दे वापस चले जा अभी जा मेहनत चलो चलो जाओ जाओ उसने मेहनत किया दे दे यार टमाटर महंगा तो सॉस की पिसा रही हो टमाटो महंगा है सॉस इतने सारे दिए इंजेक्शन मार के दिया सो गाइज अभी हम लोगों ने खा पी लिए है और अभी हो चुकी है रात अभी बज रहे हैं कुछ 11 या तो 12 बज रहे सो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पर सो अभी यहाँ पर लोग अल्लाह हाफिज बोल देते हैं क्योंकि आज मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ इसलिए क्या बोल रहे हो बैग तो भरी नहीं वो बैग रहने दो कहीं मैं बारिश वारिश में भीग भीग क्या हूँ तो बहुत पहले से अम्मा दोपहर में क्या बोले बोले लड़की हस्बैंड के घर पे अच्छी लगती है हमारा घर ही नहीं होता है तो ऐसा बोला बाप तुम बोलते मेरा घर है मैं कुछ भी करूंगा तुम क्या बोलते आप बिना ब्लॉगिंग को देखो जरूर दो कंचन आदि क्या निकाली ना मैं निकाली दादा गाइस आज से सोच लिया मैं जानी से झगड़ा नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी को टॉर्चर करता है इसके लिए मैं इससे झगड़ा नहीं करूंगा सो ये लोग लड़ते रहते थे दानिश गुस्सा मेरे पे निकालते थे मम्मी ने बोला देखो तुम्हारी बेटी को बोलते ना इसके लिए ऐसी तो बोले अभी चिल्लाए ना अभी मेरे पे मैं खाना डाल रही थी तो गलती नहीं थी मैं अच्छे से डाल रही थी स्लो स्लो लगा क्या हो गया तुम बोलते अरे इतना प्लेट था आ गया ऐसे ऐसे दे रहे चलो लड़ वापिस चलो नहीं चुप हुआ ये लोग झगड़ते रह गए गाइस तो चलो अभी जाते हैं अपने घर पर मैं कपड़े यहाँ ही रख रही हूँ क्योंकि बारिश में से भीग भी के आते तो यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए रहते हैं इसलिए क्या है तो खान जो है खान सिर्फ जवान जब होता है अच्छा एक बार जब कमेंट कर दिया तो मैं अपने आप तो चलो जाते हैं अपने घर पे तो मिलते डायरेक्ट आप लोग वहाँ पर सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर पर और बेचारे सब लोग सो गए थे सो अभी सबको उठा दिए दानिश ने और अंकल को भी उठा दिए सभी लोग को खुशखबरी दे देते हम लोग खुशखबरी ये है डॉक्टर ने क्या बोली बताओ हाँ जुड़वा बच्चे बोले नहीं 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 डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोली अरे आज चेकअप था ना तो मैं बोली थी ना मैं आ जाऊंगी इधर घर पर अच्छा तो इसके लिए भी आ गई मैं घर पर ना किधर जाएगी बीमार इधर ही रुकी सास की सेवा करोगी और बहू की सेवा कर रही बहू पोता है वाली काम वाली रखता है आज मैं डिसाइड करी वाली काम वाली रख लेते हैं नहीं होता है काम वाम यहाँ पर तो काम वाली रहेगी तो अच्छा रहेगा इसके लिए मम्मी को ही बोल के काम वाली ढूंढ के रखो कोई होगी तो सवाल नहीं सूखते नहीं ना हाँ कपड़े भी देखो वैसे गाय हम लोग ऐसा सुखाना पड़ता है घर घर में सब सो गए थे बेचारे अब्बा खुश नहीं लगता तू आई तो अंकल तो कब से बुला रहे थे नहीं तबीयत खराब है हाँ अंकल की तबीयत खराब है क्या बोल रहा था आ जा आ तो खाना को खाना क्यों नहीं खिलाते उसको उसको बैगा टहरिया खाने का तुम खाते नहीं ना इसलिए आती कच्चे पट्टी नहीं खिलाऊंगा देसी खाना खिलाएगा अभी बोला कच्चे पट्टी नहीं खिलाऊंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट था क्या डॉक्टर सब नॉर्मल है बोले अल्लाह घूमो फिरो नहीं बोले ऐसा नहीं बोले कि अच्छी हो गई तो घूमो फिर सो गाइस अभी हम लोग हमारे रूम में आ गए हैं और अभी अंकल आंटी लोग सब लोग सो गए हैं सो मैं यही व्लॉग एंड कर रही हूँ आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब